हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं टी सीरीज वर्सेस पीडीपाई के बारे में। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो पीडीपाई को सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो लोग हैं टी सीरीज को भी सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े नाम जो है टी सीरीज को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, और पीडीपाई को गालियां मिल रही है भर भर के उनके कुछ कमेंट्स, उनके बिच लजानिया सॉन्ग के बारे में। तो गाइस, हम बात करेंगे इसी बारे में आज की इस वीडियो में, और मैं किसको सपोर्ट करता हूँ ये भी मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा। और गाइस, आप किसको सपोर्ट करते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर कुछ लोग थंबनेल देख के ऑफेंड हो जाते हैं तो प्लीज ऑफेंड मत होना, वीडियो को पहले पूरा देखना फिर उसके बाद बात करना। तो गाइस, पहले बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी बात की बिच लजानिया सॉन्ग टी सीरीज के लिए निकाला था हमारे पीडीपाई भैया ने, तो यहाँ पर उन्होंने कुछ बातें बोली थी जो कि लोगों को पसंद नहीं आई है, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं पूरी कम्युनिटी, जो पहले तो जो रोस्टर कम्युनिटी है वो पूरी सामने आ गई और रोस्ट करना स्टार्ट कर दिया पीडीपाई का, क्योंकि उन्होंने इंडिया के बारे में कुछ ऐसे बात बोल दी जो कि उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। तो बट यहाँ पर मुझे कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ उन्होंने वहाँ पर कुछ चीज़ें गलत बोली है, और मतलब कुछ बोलने की उन्हें फक इंडियन और समथिंग कुछ ऐसी चीजें बोली गई है वहां पर सॉन्ग में। तो गाइज वो तो, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो उनका काम है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करना कि किसी एक अंग्रेज ने आपको गाली दे दी तो आपका ईगो हर्ट हो चुका है, यहाँ पर ये मैटर क्लियरली आ रहा है। बट आप सभी लोगों को पता है कि ये जो उन्होंने गाने में इस्तेमाल किया है वो एक्चुअली हम इंडियंस ने करी है। आपको मैं कुछ क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद आप लगाना अंदाजा कि क्या बातें हुई है। There is nothing more beautiful than a man expressing his love in poetic words. Words that speaks directly from his soul. And there's no one that can do this better than Indian men. भाई गॉड, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना ये सीरियस कर रहा है, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैं इसे कॉमेडी समझता हूँ, मेरी नॉलेज जहाँ तक कहती है ये मजाक कर रहा है। On rights, send me your vegana pic. Hi, are you effed at night? I want to kiss your vegana for 2 hours. And then put my 1 foot penis in your vagina. Truly beautiful. और आज जो सिचुएशन है इसे समझने के लिए तुम्हें एक और क्लिप दिखानी पड़ेगी मुझे. Watch this. Very nice pics. Send me naked pics. No, you be. Hello, bitch lasagna. तो गाइज यहाँ पर क्लियरली एक चीज़ बता दो, जो बिच लजानिया वर्ड जो है इस क्लिप को देखने के बाद आपको क्लियरली पता चल चुका होगा कि ये वर्ड जो है हम इंडियंस के द्वारा क्रिएट किया गया है, और इसका कोई मतलब भी नहीं है। बिच का मतलब आप सभी लोगों को पता है, और लजानिया का मतलब कुछ भी नहीं होता, मतलब ये एक ऐसा ही वर्ड है जिसको इन्होंने इस्तेमाल करा, और ये क्रिएट हमारे ही द्वारा हुआ है, किसी और लोगों ने क्रिएट नहीं करा है। तो इसलिए ये बात तो आपको क्लियरली हो गया होगा। उसके बाद वहाँ पर कुछ सॉन्ग में मंबल और कुछ अदर वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो यार मंबल का मतलब होते हैं कि जो ऐसी भाषा या कुछ ऐसी चीज़ जो समझ में ना आए, तो यार इसमें कोई गाली वाली बात नहीं है। और मैं एक चीज़ सभी लोगों को बता दूं कि बिच लजानिया सॉन्ग अब से 1 महीने पहले आया था, और ये कंट्रोवर्सी जो है अभी स्टार्ट हो गई है, मतलब अभी सपोज करो मैं 2 हफ्ते मान लेता हूँ, तो मतलब आपका ज़मीर, आपका इंसानियत 2 हफ्ते में जागा है। आपका जब सॉन्ग रिलीज़ हुआ था तब आपने नहीं सुना, आपने अब जाके सुना। क्यों? क्योंकि ये सभी लोग व्यूज़ पैसा कमाना चाहते हैं, और उन्हें लग रहा है ये सही टॉपिक है जहाँ से मुझे व्यूज़ मिलेंगे, टॉप पैसे मिलेगा। क्योंकि हम इंडियंस की मेंटेलिटी ऐसी है कि हम ये सोचते हैं कि जो सामने हो रहा है हमारे इंडिया के खिलाफ बोला जा रहा है, ये सपोर्ट करा तो भाई हम इसे सपोर्ट करेंगे। तो गाइज अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो दूसरा टॉपिक ये है कि जो कि पीडीपाई ने डोनेशन करा है चाइल्ड लेबर इंडिया को, एक एनजीओ में जो डोनेशन किया है 1 करोड़ या 1 करोड़ रुपए से प्लस का जो डोनेशन करा है, तो यहाँ पर जो डोनेशन करा है सब लोग कह रहे हैं कि ये जो डोनेशन है सिंपथी गेन करने के लिए, क्योंकि उन्होंने इंडिया को गाली दे दी है। अब वो दिखाना चाहते हैं कितने महान है, उन्होंने अच्छा काम करा है, और ये सब बातें सभी पॉइंट ऑफ व्यू से लेके आ रहे हैं। तो गाइस पहले थिंक अबाउट इट कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये कहा है कि टीवी सीरीज जो है जम्मू कश्मीर में खाना खिलाती है, पिछले 24 साल से खाना खिलाती है। तो गाइस पहली बात, आप या तो रिसर्च करके नहीं आए हो और ऐसे ही वीडियो बनाने बैठ गए हो। तो गाइस मैं सभी लोगों को दिखा दूँ कि पीडीपाई ने, अगर आप गूगल पे अगर सर्च करते हो ना, पीडीपाई ने बहुत सारी चैरिटीज़ करी है, इससे पहले भी करी है, और वो हमेशा चैरिटीज़ करते हुए आ रहे हैं। जो भी अपनी लाइव स्ट्रीम से वो पैसा इकट्ठा करते हैं वो कहीं ना कहीं एनजीओ में डोनेशन करते हैं। उसके प्रूफ जो है आपको मैं दिखा दूँ, ये विकीपीडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हैं। बस गूगल पे लिखना है पीडीपाई चैरिटी, और आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो ये पहली बार नहीं जो पीडीपाई चैरिटी कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने बहुत बार करा है। अगर इस बार वो इंडिया को दे रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि 1 करोड़ की भीख में दी हुई रोटी है, 1 करोड़ बस भीख में दे रहे हैं। तो भाई अगर भीख में दे रहे हैं ना 1 करोड़, तो मुझे भी दे दो, मुझे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
कोई भी बंदा 1 करोड़ पे ऐसे ही भीख में नहीं दे देता या सिंपैथी गेन करने के लिए नहीं कर लेता भाई। सबका एक मकसद होता है, कोई बात नहीं उनका मकसद होगा, बट गलत इरादे से कोई भी 1 करोड़ पे डोनेशन नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि यार आप गलत इरादे से डोनेशन कर वो कर रहे हैं, तो यार आप क्यों नहीं डोनेट करते? आप 1 रुपये भी डोनेट कर दो तो मैं मान जाऊँ। बट यार सब लोग बोलना जानते हैं, इस टॉपिक पर मजे लेना चाहते हैं, और सब लोग अभी ट्राई पता क्या कर रहे हैं, आप अगर सोच समझदार हैं तो सोचने की कोशिश करना, सब लोग चाहते हैं व्यूज़, यूट्यूब मनी के लिए ही वीडियो बना रहे हैं और यही चीज़ करना चाह रहे हैं। अगर उनके मन में ऐसा नहीं होता तो प्लीज़ आप जो वीडियो डाल रहे हो इंडिया के सपोर्ट में, मोनेटाइजेशन अपनी उस वीडियो की ऑफ कर दो और तब वो वीडियो डालो, तो मैं मानूँ कि आप में गट्स है। तो बट गाइज ऐसा नहीं है, सब लोग अपना पैसा कमा रहे हैं। मैं भी शायद ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो में व्यूज़ आएंगे, पैसे आएगा और मेरा भी इंक्रीजमेंट होगा, तो यार इसलिए ये वीडियो बनाई जाती है। और ये लोग अभी मजे ले रहे हैं और 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद जब टी सीरीज आगे निकल जाएगा, जो कि बेशक से निकलेगा, तो उसके बाद कुछ भी लोग इस बारे में बात तक नहीं करेंगे। और ये फैक्ट है, अभी ट्रेंडिंग पे ये टॉपिक चल रहा है और इसलिए सब लोग मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग चाहते हैं कि इसमें आके वो अपना नाम भी आगे कर ले। तो गाइस अगर आपको मेरी बात से सहमत हो प्लीज़ यार लाइक जरूर करके जरूर बताना कि आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक ले मैं चलता हूँ, और आप मेरी बातों से दिल खोल के सहमत हो सकते हैं, अगर नहीं है तो गाली भी बक सकते हैं। तब तक ले मैं चलता हूँ, बाय एंड टेक केयर। We'll be right back.